नमस्कार, मैं शिप्रा विश्वकर्मा, मैं आज आई हूँ। आप लोग को सभी को स्वागत है और आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आई हूँ। आज मैं चिकन का आइटम लेकर आई हूँ। ये चिकन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी लगती है, लेकिन बिना झंझट का ही बनाने आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। देखिए मेरा चिकन कैसे मैं बनाने आ रही हूँ, जो आप लोगों को सभी को बहुत पसंद आने वाली है। ये चिकन का ग्रेवी है फ्रेंड्स। देखिए मैं कढ़ाई में तेल गरम की, तेल गरम करके मैं इसमें गोटा गरम मसाला डाल दे रही हूँ। इसमें जीरा और थोड़ा तेज़पत्ता और जीरा का भी फ़ौरन डाल दी। और देखिए फ्रेंड्स, मैं मोटा मोटा थोड़ा प्याज काटी हूँ। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है। प्याज हल्का लाल करने के बाद ही मैं टमाटर डाल दी और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं डाल दिया। इसमें नमक, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्ची और गरम धनिया जीरा का पाउडर और थोड़ा गरम मसाला मैं इसमें डाल के अच्छी तरह से मसाला को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और देखिए नमक, हल्दी और दही डालकर मैं एक घंटा मैरिनेट करके बोनलेस चिकन को रखी हूँ, उसको मैं डालकर मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा चलाकर मैं इसको थोड़ा देर के लिए ढक कर रखूँगी। इसमें से अपने आप पानी निकल जाएगी। और देखिए मैं केवड़ा जल थोड़ा मैं डाली हूँ, थोड़ा फूड कलर डाल दे रही हूँ और एक ड्रॉप मैं मीठा अतर डाल दे रही हूँ, जो खाने में बिरयानी का टेस्ट लेकर आएगी। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। और थोड़ा बिरयानी मसाला मैं हाफ चम्मच डाल दे रही हूँ। बिरयानी मसाला मैं घर में खुद बनाती हूँ, होममेड बनाकर मैं रखती हूँ, उसी को मैं हाफ चम्मच मैं डाल दे रही हूँ। और देखिए इसी तरह आप लोग फ्राई करिए और जब फ्राई हो जाए, फ्राई भी आप लोग खा सकते हैं। और ग्रेवी खाने का मन है तो थोड़ा ग्रेवी भी बना सकते हैं। लेकिन ये चिकन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। पराठा, पूड़ी, भात, पुलाव किसी के साथ भी खाइए और एंजॉय करिए। और देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। जब बन जाने के बाद पूरा बिरयानी का सेंट फैल जाता है एकदम घर में। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और आप लोग खुद खाइए, खाइए परिवार को खिलाइए, इसी तरह बनाइए। बहुत ही इजी तरीका से मैं बताती हूँ। और ये वाला चिकन आप लोग बनाइए और देखिए आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह आप लोग भी बनाइए, खाइए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं चिकन बनकर रेडी हो गई है। मैं बहुत ही इजी तरीक़ा से बनाने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को भी साथ भी शेयर करती हूँ बहुत इजी तरीक़ा से। और कैसी लग रही है आप लोग को वीडियो, कमेंट में प्लीज़ आप लोग जानाइए, बताइए थोड़ा। और मेरा बड़ा वीडियो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। छोटा वीडियो में व्यूज़ बहुत आ रही है, लेकिन बड़ा वीडियो में बहुत कम व्यूज़ आ रही है। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।